Hello students, this is the next video of history chapter first. Today's topic is which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? अगर हम कुछ dates को important मानते हैं तो उसका हमारा criteria क्या होता है? जिन dates को हम चुनते हैं, जिन dates को हम select करते हैं कि उनके चारों तरफ हम अपने past की story लिखें, तो वो dates अपने आप में important नहीं होती. वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट. क्योंकि जो उस पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट्स होते हैं हम उन्हें इम्पोर्टेंट मानकर चलते हैं. अगर हम अपने सब्जेक्ट का एक टॉपिक चेंज कर दें, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज़, अगर हम कुछ नए इशूज़ या नए टॉपिक्स पर रिसर्च शुरू करें, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. तो फिर क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी. Consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. यहाँ पे हम example देख सकते हैं एक कि India में जो भी British historians थे उन्होंने जो भी history लिखी उनमें जो British governor general थे उनके ही ruling time को important माना गया. जैसे कि इन historians ने first governor general Warren Hastings से शुरू करके last viceroy Lord Mountbatten तक की history को लिखा. In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Layton, Ripon, Curzon, Hardings. इन सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज. हिस्ट्री में इन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का जो कभी ना ख़त्म होने वाली हिस्ट्री थी सिर्फ वही रहती थी. हिस्ट्री की इन बुक्स में जितने भी डेट्स की इम्पोर्टेंट होती थी वो सारी इन्हीं गवर्नर जनरल्स की एक्टिविटीज़ पर, इनकी पॉलिसीज से और इन्हीं की अचीवमेंट से रिलेटेड होती थी. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो. अगर हमें कुछ और देखना होता, ये ऐसे था कि इन लोगों के जीवन के बाहर हिस्ट्री में किसी और चीज़ के बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन लोगों के जीवन के जो भी घटनाक्रम था, क्रोनोलॉजी होता है घटनाक्रम, इन लोगों के जीवन का जो भी घटनाक्रम था ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में उन्हीं को ही अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा जाता है. Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम उस टाइम की हिस्ट्री को एक अलग ढंग से नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? Governor General के इस हिस्ट्री में हम अगर इंडियन सोसाइटी के अलग 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 समूहों के बारे में, उनके ग्रुप्स के बारे में और क्लासेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम उन पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? व्हेन वी राइट हिस्ट्री, अब हम हिस्ट्री की अगर कोई हमें कोई हिस्ट्री की कोई स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइडेड इट इनटू चैप्टर्स, इसको हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ये चैप्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ताकि इनमें आपस में सामंजस्य स्थापित हो. इट इज़ टू बी टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. तो इसका रीज़न ये होता है कि ये इस तरह से स्टोरी को सामने लाता है कि आसानी से उसे समझा जा सके और याद रखा जा सके. इस प्रोसेस में हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स और उन्हीं हैपनिंग्स पर जोर देते हैं जो कि इस स्टोरी को सही शेप दे सके. इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट. ये हिस्ट्री जो कि इन ब्रिटिश गवर्नर जनरल की लाइफ के ही चारों तरफ घूमती रहती थी उसमें इंडियंस के लिए कोई जगह नहीं थी, वो उसमें कहीं भी फिट नहीं होते थे. What then do we do? तो फिर अब क्या किया जाए? Clearly, we need another format for our history. तो हमारी हिस्ट्री के लिए फिर एक दूसरे फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी. This would mean that the old dates will no longer have.
तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अब तक जिन डेट्स को हम इम्पोर्टेंट मानते आ रहे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई डेट्स इम्पोर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि हम कुछ नई घटनाओं का जिक्र करेंगे। इन फिगर 3 स्टूडेंट्स दिस पॉइंट टू बी नोटेड, वॉरेन हेस्टिंग्स बीकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो डेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट कैसे होती हैं और क्यों होती हैं और कब होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3-वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 में जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, उन्होंने 3 वॉल्यूम में एक बुक लिखी जो थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स। इसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इस पीरियडाइजेशन को बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इससे इंडियन हिस्ट्री को समझने में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती? व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? तो जो हिस्ट्री होती है हम उसे टाइम पीरियड में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। इसका एक रीजन होता है क्योंकि हम उस टाइम पीरियड की जो स्पेशलिटीज होती हैं उन्हें और जो उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डिमर्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स, बिकम इम्पोर्टेंट। इसलिए जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिनको लेकर कि हम इस टाइम पीरियड को बांटते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये पास्ट के बारे में जो हमारे आइडियाज होते हैं कि हम ऐसा क्या सोचते हैं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और ये हमें ये बताते हैं कि एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो चेंजेस आए थे उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। जो जेम्स मिल थे उन्हें ये लगता था कि जितनी भी एशियाई सोसाइटीज हैं वो यूरोप के मामले में यूरोप से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. तो इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने ये बताया कि इंडिया में जो ब्रिटिश आए थे उनके आने से पहले यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज था, कि वो जो राजा थे हिंदू और मुस्लिम वो सिर्फ अपनी मर्जी ही चलाते थे। यहाँ चारों तरफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो लोगों में धर्म को लेकर थे वो झगड़े थे, कास्ट अबूज, जो जातिगत बंधन थे वो थे, और हर तरफ उनकी जो सामाजिक जीवन था उसमें अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल की राय में उनका मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है वो ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉस इन इंडिया। इस काम के लिए ये ज़रूरी था कि इंडिया में यूरोपीय शिष्टाचार, जो यूरोपियन मैनर्स हैं, आर्ट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो वहाँ के रूल लॉज हैं उन्हें इंडिया में लागू किया जाए। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्यूर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल ने तो यहाँ तक सजेस्ट कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं उन्हें इंडिया की सभी टेरिटरीज और पूरे लैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि इंडियन पीपल हैं जो यहाँ की जो जनता है उसे ज्ञान मिल सके और उनका जीवन सुखी हो सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प।
उनका मानना था कि ब्रिटिश हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो ये आइडिया है, इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश रूल है वो ही प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। ब्रिटिश रूल से पहले ये माना जाता था उनकी तरफ से कि यहाँ हर तरफ अंधेरा ही था। कैन सच ए कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टूडे। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को हम सही मान सकते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान का पीरियड मान सकते हैं? डिड नॉट ए वेराइटी ऑफ फेस एग्जिस्ट सिमिलटेनसली इन दीज पीरियड्स। तो इसमें ये इन सारे टाइम पीरियड में कई तरह के धर्म क्या एक साथ नहीं चले होंगे? किसी भी टाइम में के जो उस टाइम के रूलर्स हुए थे उनके हिसाब से जो रिलीजन है उसे डिसाइड करना जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उस टाइम आम लोग थे, जो और लोग थे, उनकी लाइफ और उनकी प्रैक्टिसेस की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना होगा कि एंशियंट इंडिया में जितने भी रूलर्स हुए थे उन सभी का धर्म एक नहीं होता था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इस क्लासिफिकेशन से अलग हटकर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को आमतौर पर तीन और पीरियड्स में बांटा, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। इस डिवीजन की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये जो पीरियडाइजेशन है ये भी वेस्ट से ही लिया गया था। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी लाइक साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। वेस्ट में मॉडर्न टाइम को साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी यानी मुक्ति और इक्वेलिटी जैसी मॉडर्न फोर्सेस की प्रोग्रेस का पीरियड माना जाता है। मेडिवल वॉज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। जो मेडिवल सोसाइटी थी ये एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें कि मॉडर्न सोसाइटी की ये जो सारी स्पेशलिस्ट है जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा ये सब उसका पार्ट नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट द करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आर स्टडी। तो क्या हम ऐसी स्टडी को जो कि मॉडर्न टाइम की इस कॉन्सेप्ट को बिना कुछ भी सोचे समझे अपना सकते हैं? एज यू विल सी इन दिस बुक अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वेलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। जैसा कि आप अपनी इस बुक में देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था उस समय लोगों के पास ना तो इक्वेलिटी थी, ना फ्रीडम थी और ना ही लिबर्टी, जो किसी भी तरह की मुक्ति नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और ना ही ये पीरियड इकोनॉमिक ग्रोथ का था और ना ही प्रोग्रेस का। Many historians therefore refer to this period as colonial. बहुत सारे जो historians हैं वो इस period को colonial period भी कहते हैं। Colonial का मतलब होता है औपनिवेशिक। अब हम देखते हैं what is colonial. In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. तो इस बुक में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया को जीता और जो लोकल नवाब और जो राजा थे उन्हें दबाकर उन पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। और इसमें हम आगे ये भी देखेंगे कि उन्होंने जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है और यहाँ के जो हम यहाँ का जो समाज है, जो सोसाइटी है, उस पर कंट्रोल किया और अपने सारे खर्चों को, उनके अपने सारे जितने भी खर्चे थे उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगाए और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कम रेट पर खरीद कर और उन्हें निर्यात के लिए और जो इम्पोर्टेंट फसलें थी उनकी खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या क्या चेंजेस आए।
यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश, और इन चेंजेस के बारे में भी हम देखेंगे, ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो जो ये ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो इंडिया की है जो मूल्य यहाँ की वैल्यूज थी और लोगों की जो पसंद नापसंद थी, यहाँ के जो कस्टम्स जो रीति रिवाज थे और जो प्रैक्टिसेस उनके तौर तरीके थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए। अब हम देखेंगे कि कॉलोनियल जो है उसका मतलब क्या होता है। When the subjugation of the country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. तो इस तरह से जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से, जैसे कि इंडिया पर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद जब ब्रिटिशर थे उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल में जो भी चेंजेस किए या उनकी वजह से यहाँ पे जो भी चेंजेस आए, इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जितने भी ये क्लासेस और ग्रुप्स हैं, इन सब ने इन चेंजेस को एक ही तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया था, कि मतलब इन चेंजेस को देखने का उन सब का नज़रिया और जो वे था वो अलग अलग था। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए इस बुक का नाम हमारे पास्ट, हमारे आर पास्ट हैं, जो कि प्लूरल में है, क्योंकि इसमें कई पास्ट के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि पीरियडाइजेशन क्या है और वो कैसे किया गया था, और कॉलोनियल पीरियड के बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।